बहुत सारे क्विज और भी चैनल्स हो रहे हैं, आप वो भी देख लें, बीच में भी जवाब दिए जाते हैं। नहीं, चैनल पे कहीं भी हो रहा, गेम का रूल्स तो हर जगह हो सकता है, किसी चैनल पे गलत। अब इसमें नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, इनको नुकसान भी हो सकता है। सवाल आदाब ने कहा ना, अगर बदल जाएगी। लेकिन मसला यहाँ पे ये है हसन भाई और फरहान, हमको यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए, हम लड़ाई नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि लड़े और एंड में नताशा आप जीत जाएंगी, औरतों के हकों की आपकी बात सही है। ओके, मैं तुम्हारे चले नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल उनकी हाजिर दिमागी पे हम बात अगर करेंगे, लेट्स सपोज आप अगर ये बात कर रहे हैं, तो वो तो ज्यादा फिर एफिशिएंट हुआ ना, उसने पहले जवाब दे दिया। नहीं, एफिशिएंट होना अलग बात है, लेकिन गेम के रूल्स होना अलग बात है। नहीं, ये तो बात मानते हैं हम, एक आधा सवाल दो सवाल और कर सकते हैं। पहले हम जज साहब से पूछे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप करें, मैंने कहा आप मशवरा करने के, ऐसा हो सकता है। हम एक्स्ट्रा सवाल तब करते हैं जब कोई टाई हो जाता है। मैंने तो मशवरा दिया है, मैंने ये नहीं कहा आप करें। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ। आपने दो दफा जो बजर दबाया था उसके बाद जवाब उन्होंने सही दिए ना। आप कहने का मतलब ये है, मैं फिर वही की वही हूँ कि वो इतना एफिशिएंट चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने जवाब भी सही दिया। अच्छा, मुझे एक बात का सवाल का जवाब। हाँ जी, सवाल कंप्लीट हो गया। और दूसरे को भी, अगर मुझे पहले पता चल गया तो मैं दबाऊंगी, क्योंकि मुझे मुकाबला जीतना है। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले, बात तो आप मेरी बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद अपनी बात। मैंने अगर आपको कहा कि ये उसूल ये है कि बैल दबाए बगैर, सवाल सुने बगैर बैल नहीं दबाए, दोनों ने ये किया, एक ने फॉलो कर लिया कि ठीक है जी सवाल पहले सुनूंगा फिर दबाऊंगा, दूसरा एफिशिएंट बना, उसने कहा नहीं मैं पहले दबा दूं। तो जब उसूल कायम हो गया कि सवाल से पहले बैल नहीं दबानी, तो आप जितने भी इंटेलिजेंट हो सर, सॉरी टू से, तो कॉकपिट है आज सवाल ये एक्स्ट्रा सवाल भी आप करें। अच्छा जी, एक्स्ट्रा सवाल बताएं जी, एक्स्ट्रा सवाल जवाब दूंगा उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगला सवाल करें, उसके बाद इंसाफ होगा। उन्होंने तो बाद में जवाब दिया है, जवाब गलत। कामरान भाई यार, इसे अगला सवाल सर सिर्फ इतना कर ले सर, या तो सवाल का जवाब होने और ले लें, वरना सवाल चेंज कर दें, दो ही चीजें मिलती हैं। ये सवाल चेंज करना पड़ेगा। फरहान भाई सवाल चेंज कर दें यार, सवाल भी आप कर लें। हां, क्योंकि जवाब हो चुका है ना, वो तो आप तो चेंज करना पड़ेगा। अब इसको कट कर दें अगला सवाल, और प्लीज आप लोग, जब पीछे से छह लोगों ने बोल दिया फारसी में है, तो फिर वो कह रहे हैं फारसी में। भाई फारसी में भी नहीं है बहुत सारे। अच्छा, कोई बंदा गलत जवाब दे दे ना, गलत जवाब दे दे तो चले। ओ माय गॉड, और क्यों करें सवाल? नहीं आप करें, जी करें क्यों यार जैन भाई, सवाल प्लीज किसी और से करवा लें। वजह ये है, या फरहान में सवाल कर ले। हां, कोई और सवाल कर ले। कोई और ही कर रहा है भाई। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन, किसने दबाया पहले बजे? भले मेरे दोनों सेम हो गए, भले मेरी टीम हो, गलत तो गलत है सर। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था ऑन रिकॉर्ड होगा, आप चेक कर सकते हैं कि बैल के बीच में, मतलब क्वेश्चन के बीच में हम सेगमेंट इन्होंने तय किया था जी, इन्होंने आपने तय किया उसूल ये कि किसी को दबा सकते हैं? नहीं, आपने अभी लास्ट में कहा ना कि क्वेश्चन की राय दे रही है सर, कमेंट प्रेजेंटर है, हमने से बताना है। ओके, ये बात तो कही गई थी पहले, आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। अब क्या सवाल फिर चेंज करें जी? एक और सवाल चेंज करें, इधर आओ ना अनिशा। भाई जी ऑन एयर प्रॉब्लम आ रही है ना, आप ये तो देखें, आप कह रही है टाइम शॉर्ट है, खत्म करते बात ही क्लियर हो रही है तो हम चले जाते हैं। ये तो आप, या तो आप उसूल बना दें, देखिए स्क्रीन पे कुछ और खड्डा जा रहा है। आप ये देखें ना, सवाल करके जवाब भी दे दिया। एक और सवाल होगा बेटा, अब क्यों